हरे कृष्णा। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव की भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ पूजा आराधना की जाती है और इससे भगवान आशुतोष अत्यंत प्रसन्न होते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है। तो चलिए आज प्रदोष व्रत के उपलक्ष्य में उसी से संलग्न एक सुंदर पौराणिक कथा का हम श्रवण करते हैं। इस कथा को अंत तक सुनने से उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है और ये कथा इस प्रकार है। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, एक समय विदर्भ देश में सत्यरथ नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे, जो सभी धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्यवचनी थे। वे धर्म और नीतिमत्ता पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करते थे। इस प्रकार शासन करते हुए अनेकों वर्ष बीत गए और फिर कुछ समय पश्चात शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसे चारों ओर से घेर लिया गया। अपने नगर को इस प्रकार शत्रुओं से घिरा हुआ देखकर विदर्भ राज अपने विशाल सेना को साथ में लेकर युद्ध के लिए बाहर आए। बल से उन्मत्त शाल्व देश के इन क्षत्रियों के साथ विदर्भ नरेश का भयंकर युद्ध हुआ। शाल्वों की अनेक बड़ी संख्या में सेना मारी गई, लेकिन अंत में विदर्भ राज स्वयं उनके हाथों से मारे गए। मंत्रियों के साथ उस महारथी राजा के मारे जाने पर शत्रुओं ने उनके राज्य पर अधिपत्य जमा लिया और उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की एक पतिव्रता पत्नी अत्यंत शोकग्रस्त होकर रात्रि के समय में राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चलने लगी। वो उस समय गर्भवती थी और प्रातःकाल होने पर अत्यंत लंबा रास्ता तय करने के बाद उस गर्भवती पत्नी ने एक सुंदर स्वच्छ तालाब देखा और थक हार कर वो उसके किनारे एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसके पास के स्थान में एक सुंदर स्वच्छ तालाब था जिसमें मधुर जल भरा हुआ था। देव की इच्छा से और भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म देने के बाद अत्यंत प्यास से व्याकुल होकर वो सुंदर अंगों वाली रानी ने जलाशय में उतरकर पानी पीना चाहा। जैसे वो उस जलाशय में उतरी, एक भारी ग्राह वहाँ पर आ गया और उस मगरमच्छ ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। अब वो बालक जन्म होते ही माता और पिता दोनों से विहीन हो गया। भूख और प्यास से पीड़ित होकर वो सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। जब इस प्रकार वो क्रंदन कर रहा था, उसी समय दैव इच्छा से वहाँ एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुँची। उसके साथ उसका अपना एक वर्ष का बालक भी गोद में था। वो ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी। सबके घर पर जाकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करती थी और उसका नाम उमा था। उस साध्वी ब्राह्मणी ने उस नवजात राजकुमार को देखा जो कि बिना किसी वस्त्र और आसन के जमीन पर लेटा हुआ था। उसने मन ही मन विचार किया, अहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है वो यहाँ ऐसे पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? ना इसके पिता है, ना कोई बंधु बांधव। बिना बिस्तर के, बिना वस्त्र के ये बालक भूमि पर शयन कर रहा है और रो रहा है। न जाने ये चांडाल का पुत्र है या शूद्र का, वैश्य का बालक है या फिर ब्राह्मण का या फिर क्षत्रिय का शिशु। इस बात को कैसे निर्धारित किया जाए? मैं इस शिशु को लेकर अपने सगे पुत्र की तरह अवश्य पालन कर सकती हूँ, लेकिन ये किस कुल का है ये ना जानने के कारण इसे छूने का साहस नहीं कर सकती। जब वो ब्राह्मण इस प्रकार सोच रही थी और उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहाँ पर आ गए। ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात भगवान शिव वहाँ आए हों। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, खेद मत करो, अपने हृदय की संशय वृत्ति दूर कर लो और इस बालक की रक्षा करो और इसी बालक से तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर वे दयालु भिक्षु वहां से चले गए। उनकी बात पर विश्वास करके ब्राह्मणी ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर चली गई। अब वो अपने पुत्र के साथ साथ उस राजकुमार का भी अपने ही पुत्र के समान पालन पोषण करने लगी। एक चक्रा नामक नगर में उनका घर था। वहाँ भिक्षा के अन्न से उसे जो भी मिलता वो अपने पुत्र और अपने राजकुमार दोनों में समानता से बांट कर उन दोनों को पालने लगी। उस गांव के सभी ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के बालक और राजा के पुत्र दोनों के ही संस्कार करवाए। दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे और समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों ही माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते।
एक दिन वो ब्राह्मणी बालकों के साथ भिक्षा मांगती हुई दैव इच्छा से एक मंदिर में पहुंच गई। वहां वृद्ध ऋषि मुनि रहा करते थे और उन दोनों बालकों को देखकर उस समय वहां पर उपस्थित परम बुद्धिमान शांडिल्य ऋषि ने कहा, दैव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए कठिन है। देखो तो जरा, ये बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह कर रहा है और इस ब्राह्मणी को ही अपनी श्रेष्ठ माता के रूप में समझ रहा है। जब ब्राह्मणी ने शांडिल्य मुनि के ये वचन सुने तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करते हुए विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, एक सन्यासी भिक्षुक के कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। हालांकि अभी तक मुझे उसका कुल का कोई पता नहीं है। मैं पुत्र के इसका पालन पोषण कर रही हूँ। आप तो ज्ञान के नेत्रों से देख सकते हैं, कृपया आप मुझे बताइए कि ये बालक कौन है, किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन है। ब्राह्मणी के प्रश्न को सुनकर मुनि ने कहा, हे ब्राह्मणी, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। और इस प्रकार कहकर शांडिल्य मुनि ने उस राजकुमार के पिता यानी विदर्भ नरेश का युद्ध में मारे जाने का और उसकी माता के द्वारा ग्राह द्वारा ग्रस्त होने का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। ये सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। उसने फिर से प्रश्न किया, हे महामुनि, वे राजा संपूर्ण ऐश्वर्यों को छोड़कर युद्ध में कैसे मर गए और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? अब ये बालक दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके अपना राज्य पुनः कैसे प्राप्त करेगा? मेरा ये पुत्र भी भिक्षा रूपी अन्न से ही जीवन निर्वाह कर रहा है, तो इसकी दरिद्रता के निवारण का भी कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी के प्रश्न को सुनकर शांडिल्य ऋषि ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। सभी धर्मों के ज्ञाता और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करने वाले थे। एक दिन प्रदोष काल में वे राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और भक्ति भाव से महादेव जी की आराधना में लीन थे। लेकिन उसी समय नगर में भारी कोलाहल मच गया। इन सभी उत्कट शब्दों को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शिव की पूजा को छोड़ दिया और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से वे राजभवन से बाहर आ गए और उसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वो शत्रु पांड्य राजा का ही सामंत था और उसे देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक काट दिया। उस समय राजा ने भगवान शिव की पूजा को छोड़कर अपने नियम को समाप्त किए बिना ही भोजन लेकर रात्रि में सो गया और उसी प्रकार उसका राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। अब वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज बने। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख उपभोग के बीच में मार डाला और पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ और ये राजकुमार उसका वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण इसे दरिद्रता मिली है और इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण इस जन्म में मगरमच्छ द्वारा वह मारी गई है। जो भी मनुष्य प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरणारविंदों की पूजा करता है वो इसे संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य स्त्री पुत्र सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होता है। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा ये पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। उसने संपूर्ण आयु केवल दान लेने में बिताई है। उसने कोई यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए और इसलिए इस जन्म में उसे दरिद्रता मिली है। इन दोनों को अपने अपने दोषों का निवारण करने के लिए भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए और प्रदोष व्रत का पालन करना चाहिए। ऋषि शांडिल्य द्वारा अपने दोनों पुत्रों के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे विप्रवर, कृपया आप मुझे भगवान शिव के पूजन की विधि बताएं और किस प्रकार उन्हें भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए इस विषय में भी बताने की कृपा करें। ब्राह्मणी की जिज्ञासा को सुनकर ऋषि शांडिल्य ने उस ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के विषय में बताया और अंत में उन्होंने कहा कि यदि ये दोनों बालक इसी प्रकार भगवान शंकर का पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करते रहेंगे तो एक वर्ष के अंदर ही उन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। शांडिल्य मुनि का ये वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहने लगी, हे भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई हूँ। ये दोनों ही बालक आज से आपकी शरण में हैं। ये मेरा पुत्र है और उसका नाम शुचिव्रत है और ये राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रखा है। ये दोनों बालक और मैं, हम सब आपके चरणों के दास हैं। कृपया हमारा उद्धार कीजिए।
इस प्रकार अपने शरण में आई हुई ब्राह्मणी को देखकर उसे अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर के आराधन की मंत्र विद्या का उपदेश दिया और उसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से चली गई। मुनिवर के आदेश अनुसार दोनों बालकों ने प्रत्येक प्रदोष के व्रत के दिन पार्वती के पति भगवान शिव की आराधना करना आरंभ किया। इस प्रकार पूजा करते हुए 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन ब्राह्मण बालक राजकुमार को अपने साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए चले गए। वहाँ इधर उधर घूमते हुए अचानक झरने के जल के आघात से खाई की भूमि कट जाने से उसमें गड़ा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश उन्हें दिखाई दिया और उस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ते ही उसे देखकर वे अत्यंत हर्ष और आश्चर्य से भर गए। उस ब्राह्मण बालक ने उसे देवताओं के प्रसाद स्वरूप में समझा और उसे अपने सिर पर लेकर घर आ गए। घर आकर उसने वो घड़ा अपनी माता को देते हुए कहा, माता ये भगवान शंकर का प्रसाद देखो, उन्होंने दया करके घड़े के रूप में ये खजाना हमें भिजवाया है। ये देखकर प्रसन्न होती हुई पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाया और कहा, पुत्रो इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बराबर में बांट लो। माता की ये बात सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई लेकिन राजपुत्र ने मना कर दिया। उसने कहा, माता ये तुम्हारे पुत्र के पुण्य से उसे प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इस खजाने को बांट कर नहीं लेना चाहता हूँ। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का उसे स्वयं ही उपभोग करना चाहिए और वही भगवान शिव एक न एक दिन मुझ पर भी कृपा अवश्य करेंगे। ब्राह्मण ने उस राजकुमार के इस स्वभाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और इस प्रकार भगवान शिव की पूजा आराधना करते करते 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार और उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु के समय में वन में भ्रमण करने के लिए गए। कुछ दूरी जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को जल में क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है क्योंकि उधर स्त्रियाँ विहार कर रही है। स्वच्छ अंतःकरण वाले विद्वान पुरुषों को स्त्रियों का सामीप्य त्याग देना चाहिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार वहां से पीछे लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया लेकिन राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चल पड़ा। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देखा और फिर अपनी सखियों से कहा, हे सखियों यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है, वहाँ विचित्र चंपा अशोक पुन्नाग और बकुल आदि के वृक्ष खिले हुए हैं, तुम सब वहाँ जाकर कुछ फूल तोड़ कर आओ, तब तक मैं यहीं पर बैठी हूँ। इस प्रकार आदेश देकर वे सखियाँ सभी चली गई और वो गंधर्व कन्या राजकुमार को देखती हुई वहीं खड़ी रही। राजकुमार भी उस कन्या से आकृष्ट हो रहे थे और गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और उससे पूछा, हे कमल नयन आप कौन हैं? किस देश से यहाँ आए हैं और किसके पुत्र हैं? इस प्रकार पूछे जाने पर राजकुमार ने कहा, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ, मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए थे, शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरे के राज्य में आश्रित हूँ। इस प्रकार अपना वृतांत सुनाकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से कहा, हे सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो? इसके उत्तर में उस गंधर्व कन्या ने कहा, हे राजकुमार एक द्रविक नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्व कुल के अगुआ माने जाते हैं, मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमती है। सभी सखियों को छोड़कर मैं यहाँ पर अकेली हूँ। मैं आपके मन की अभिलाषा जानती हूँ कि आपका मन मेरे प्रति आकृष्ट हुआ है और उसी प्रकार दैव ने मेरे मन में भी आपके लिए उत्कंठा भर दी है। अब हमारा स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले से मोती का हार निकाल कर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट कर दिया। उस सुंदर हार को देख कर राजकुमार ने कहा, हे देवी लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इस समय राज्यहीन और निर्धन हूँ, तुम मेरी प्रिया कैसे बन सकती हो और अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा अनुसार आचरण क्यों कर रही हो? तब उस सुंदर गंधर्व कन्या ने कहा, हे प्रियतम आपका कहना उचित है, मैं अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूँगी। आप इस समय अपने घर को पधारे और परसों प्रातःकाल पुनः यहीं पर दर्शन दीजिए, मुझे आपसे कुछ विशेष कार्य है। इतना कहकर गंधर्व कन्या अपनी सखियों के आ जाने से उनके साथ चली गई और राजकुमार भी हर्ष पूर्वक अपने घर लौट आया। उसने ब्राह्मण पुत्र से ये सारी बातें कही और उसके साथ घर को प्रस्थान कर गया। घर पहुंचकर पतिव्रता ब्राह्मणी को भी उसने ये सारा शुभ समाचार कह सुनाया और फिर पूर्व निश्चित समय आने पर पुनः उस द्विज पुत्र के साथ वो प्रातःकाल वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि वहां पर गंधर्व राज और उनकी कन्या दोनों उपस्थित हैं।
गंधर्वराज ने वहां पर आए हुए दोनों कुमारों का अभिवादन किया और उन्हें सुंदर आसन पर बिठाकर राजपुत्र से कहने लगे, हे विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने माता पार्वती के साथ भगवान शिव के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर ये कहा कि पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है, जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वो बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदैव मेरी आराधना में संलग्न रहता है और उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितृगण मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। भगवान शिव ने मुझे आज्ञा दी कि मुझे उस राजकुमार की सहायता करनी चाहिए और शत्रुओं को मारकर उसे अपने राज्य सिंहासन पर आसीन करना चाहिए। महादेव जी की इस प्रकार आज्ञा मिलने पर मैं अपने घर आया और वहां आकर मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए ही बहुत प्रार्थना की और मुझे लगता है कि ये सभी परम दयालु भगवान शिव की प्रेरणा से ही हो रहा है। इसलिए मैं अपनी पुत्री अंशुमती को तुम्हें पत्नी रूप में प्रदान करना चाहता हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर मैं बिठाना चाहता हूँ। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहाँ भी मेरी यही कन्या तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्व राज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया और उसे दहेज में परम उज्ज्वल रत्न भार भेंट किए। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि, दमकते हुए मोतियों के हार, सुवर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1,00,000 नीले घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्त्रों अस्त्र शस्त्र और अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। उसके बाद उन्होंने उसे अभेद्य सुवर्णमय कवच दिया और शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति अर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्व राज ने प्रसन्नचित होकर 5,000 दासियां दी। राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने उग्र गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना भी भेंट की। इस प्रकार अपनी पुत्री का विवाह करवा कर गंधर्व राज स्वर्ग लोक में चले गए और विवाह के बाद धर्मगुप्त राजकुमार गंधर्वों की सेना को अपने साथ लेकर अपने नगर में गए और वहाँ उन्होंने शत्रु सेना का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकंटक राज्य का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनका अपने पुत्र की भांति पालन किया था वही उनकी माता हुई और वो द्विज कुमार ही उनका भाई बना। गंधर्व राज पुत्री अंशुमती महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई और इस प्रकार भगवान शंकर की आराधना करने से धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा बन गए। इस कथा का समापन करते हुए श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, इसी प्रकार जो भी मनुष्य प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की आराधना करके उनकी पूजा करता है वो समस्त मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और देह अवसान होने पर उसे परम गति की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य प्रदोष व्रत के इस परम अद्भुत पुण्यमय महात्म्य को उस व्रत के दिन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है या फिर उसका पठन करता है उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता और जीवन के अंत में ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर वो भगवान शिव के धाम को प्राप्त कर लेता है। तो ये थी आज की गुरु प्रदोष व्रत की विशेष पौराणिक कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस कथा को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस कथा को सुनकर इसका पुण्य फल प्राप्त कर पाए और नीचे कमेंट बॉक्स में भगवान शिव का कोई एक नाम लिखिए। इससे हमें ये पता चलेगा कि आपने इस कथा को अंत तक सुना है और इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और याद रहे, भगवान शिव आशुतोष हैं। उनके लिए भौतिक सुख सुविधा, संपत्ति और धन देना बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में अगर आप प्रदोष व्रत की पूजा अर्चना कर रहे हैं, व्रत का पालन कर रहे हैं, तो आपको भगवान शिव से परम धन की याचना करनी चाहिए और वो है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति, जो अत्यंत दुर्लभ है, जो सहस्त्र युगों और जन्मों के बाद भी नहीं मिलती। तो इसलिए इस प्रदोष व्रत की पूजा आराधना करते समय भगवान शिव से परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा की भी याचना करें। हरे कृष्णा।